ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं, और जो कि आप लोगों के लिए ओपन बुक को लेकर है। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है, दो वीडियो में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और एक में बताया कि 100% होगा, और यहाँ पर मैंने फिर आपको यह भी बताया कि 90% होगा। ये मैंने इसीलिए बताया था आपको 90%, क्योंकि अभी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट मैं क्लियर कर दूँ। तो जितने भी स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम होंगे तो उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है, और जो नहीं भी सोच रहे हैं उन्होंने भी पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे ओपन बुक एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। अब ये न्यूज़ तो इतनी वायरल हो चुकी है कि सभी को बहुत कुछ नहीं तो ये सब लोग 100% विश्वास कर रहे हैं कि ओपन बुक ही होंगे। लेकिन आपको बता दें, आप लोग कुछ टाइम के लिए थोड़ी रुक जाइए, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में यह बताया हुआ है कि थोड़े टाइम इस तरीके से रुकिए कि जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय होता है, जहाँ से क्या होता है कि हमारे टाइम टेबल वगैरह आपको पता होगा मिलते हैं, और साथ में वहाँ पर नीचे आप लोगों ने एक सील लगी होती है, और साथ में वहाँ पर साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं किनके, और जयश्री कियावत के। तो जब वो आ जाएगा तब उसको राइट माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। तो यहाँ पर मतलब होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है तो फिर जयश्री कियावत है उनको तो करना ही पड़ेगा, ये आदेश मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मतलब अब ओपन बुक ही होंगे, मेरे कहने का मतलब यही है। तो आप लोग जितना भी डाउट था जिसको भी, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ओपन बुक ही होंगे 100%, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है तो यार होने ही चाहिए। सभी लोग समझ सकते हो कि जब शिक्षा मंत्री बोल देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग अब डाउट क्लियर कर लो। तो जिनके भी मन में डाउट था, मतलब सभी के यही कमेंट्स थे कि एक बार आप क्लियर बता दो, वीडियो बना दो इसके ऊपर से। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा अभी इंदर सिंह परमार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका, तो उन्होंने बोला है ऐसा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना है कि अब जब जैसी की आवाज है वो नोटिस जारी कर देंगे तो वहाँ पर आप लोग देख पाओगे, और जैसे ही वो बताती हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, और कम्युनिटी में इस लिंक को मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, 100% आपका ओपन बुक ही हुआ, क्योंकि अब जब शिक्षा मंत्री बोल देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपका डाउट क्लियर है कि आप लोग को जो एग्जाम है वो ओपन बुक ही होंगे, घर से देने होंगे। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था उस तरीके से होंगे, और हो सकता है इसमें आपको टाइम दिया जाए, हो सकता है वो बोल दें कि 3 घंटे में ही आपको पेपर रिटर्न करना है, मतलब कंप्लीट करके, या फिर वो कुछ भी जिस तरीके का टाइम देंगे, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में मिलते हैं आप।